बेबस प्रशासन, लज्जित न्यायालय और दबंग दे रहा है खुली चुनौती भिंड कलेक्टर और माननीय न्यायालय को। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कब्जाधारी दबंग के समर्थकों में कृषि मंत्री को पत्र लिखने पर मचा बवाल। क्षेत्रीय नगर वासियों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दबंग की मदद करने का लगाया आरोप। क्षेत्रीय नगर वासियों ने सर्प दलित महापंचायत बुलाकर लाहर विधायक को हस्तक्षेप करने की मांग। दबंग नहीं दे रहा है प्रस्तावित कृषि उपज मंडल का निर्माण। आजादी के दशकों वर्ष बीत जाने के उपरांत भिंड जिले के अंतिम छोर पर बसे नगर परिषद दबोह को आज तक किसानों की बहुप्रतीक्षित किसान मंडी की मांग का पूरा न हो पाना हमें और आपको यह सोचने पर विवश कर देता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर किसानों के हितों को हम कितने संवेदनशील हैं इसको लेकर यह वर्षों पूर्व नगर दबोह का पताका मंदिर की 28 बीघा भूमि को दिवंगत महंत के उत्तराखंड से आया फर्जी चेले द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसकी प्रकरण न्यायालय में चेला और राजीनामा में अधिक जमीन 14 बीघा भूमि मंडी को हस्तांतरित कर दी गई और आधी जमीन 14 बीघा भूमि बाबा को दे दी गई, मगर दबंग द्वारा स्वयं की भूमि पर खेती और प्लांटिंग करवाकर उसे उपयोग में ले लिया गया और मंडी की आधी जमीन को विवादित करवाने के चलते दबंग बाबा द्वारा उस पर फलदार वृक्ष लगाकर अतिक्रमण और कब्जा कर लिया गया, जिस कारण आज तक दबोह नगर वासियों को अपनी मंडी नसीब नहीं हो पाई। मंदिर की भूमि पर चलते चेले द्वारा बेईमानी से कब्जा कर और प्रशासनिक अधिकारियों से साठ गांठ कर इस भूमि को अपने नाम पर नामांतरित करा ली गई और अब वह दबंग बाबा प्रशासन को वह अपने लात पर ठोकता नजर आ रहा है और यही कारण है कि विगत कई वर्षों से यहां की कृषि उपज मंडी मात्र 2 कमरों में किराए के भवन पर संचालित हो रही है और किसानों को मिलने वाले शासन की सारी सुविधाएं से किसान वंचित रह जा रहे हैं। हालांकि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कई बार प्रयास कर किसानों के हित में मंडी संचालित करने के लिए प्रयास किया, मगर दबंग की दबंगई के चलते क्षेत्रीय विधायक की एक न चली और वह भी हताश होकर शांत मुद्रा में न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दबंग बाबा न्यायालय को अपनी ढाल बनाकर इसका पूरा लाभ ले रहा है और प्रस्तावित मंडी मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। अभी हाल में मंडी में ही मंडी कमिश्नर मुरैना द्वारा प्रस्तावित मंडी का अवलोकन किया गया तो मंडी के शीर्ष अधिकारियों द्वारा दबंग के साथ बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई और दबंग की दबंगई के चलते आखिरकार मंडी कमिश्नर मुरैना को यहां से बिना निरीक्षण किए बरेंग लौटना पड़ा। अभी मुरैना कमिश्नर की मंडी की जमीन का निरीक्षण करके वापस मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाई थी कि दबंग ने क्षेत्रीय भाजपा नेता जो स्वयं को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी बताता है उससे साठ गांठ करवा कर कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पत्र जारी किया गया कि उक्त प्रकरण की पल पल की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का फरमान जारी करवा लिया गया है। फिर क्या है, पत्र वायरल होते ही क्षेत्रीय जनता का ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर दबंग का सहयोग लगाने का आरोप लगाया जाने लगा और इसी के चलते क्षेत्रीय दबोह की जनता द्वारा मंडी के समर्थन पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन रखा गया जिसमें क्षेत्रीय विधायक गांधी गोविंद सिंह को भी आमंत्रित किया गया और उनसे मंडी बनवाने के लिए समर्थन मांगा गया तो क्षेत्रीय विधायक द्वारा कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस पर चर्चा करने का आश्वासन दिया गया और अब यह कहना है कि स्वतः ही लाजमी होगा कि दबोह उपज मंत्री नेताओं के आपसी विरोधाभास के षड्यंत्र का शिकार हो रही हैं और जनता क्षेत्रीय और किसान बिना उपज मंडी के परेशान हो रहे हैं। एक नंबर था जे पूरा मंडी समिति अकेली सक्षम नहीं है राजीनामा करने के लिए। समझ गया। सर्विस में होना तो कहाँ, हमारा पूरा प्रयास है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो और मैं उस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़ाई लड़ना पड़े तो वहाँ तक जाऊँगा और मंदिर हनुमान जी भगवान की जो जमीन बाबा ने हड़प रखी है और यहाँ से उसमें प्लॉट बेच के उत्तराखंड में गढ़वाल में अपनी संपत्ति बना रहा है उसकी भी जांच कराई जाएगी और बाबा के द्वारा जो अनैतिक कार्य किया है उसके विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और न्यायालय में भी जाके न्याय मांगेंगे।
आपके खिलाफ रिपोर्ट 18 मंदिरों पे जमीन लगी हुई है। जगह किसकी थी? यह जगह हनुमान जी सरकार की जमीन थी, यहाँ महंती जी रहते थे और महंती की जगह पे अमरदेव जी महाराज जो दूसरे उनके शिष्य थे सरवनदेव महाराज जी के उनके शिष्य के रूप में रहने लगे और यह गद्दी विरक्त मतलब बिना शादी शुदा लोगों की रहती है, इसलिए वहाँ और अमरदेव महाराज जी रहने लगे। इसके बाद उनका यहाँ परिवार आ गया, परिवार आने से महाराज जी ने और दबोई की क्षेत्र की जनता ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि हम पूजा रचा करेंगे और यह काम सही अच्छी तरीके से रहेंगे और इससे अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ मंडी के लिए जमीन सरकार ने नामांतरित कर दी जो 14-14.5 बीघा की जमीन करीब, लेकिन वो क्या है कुछ समय में कोर्ट कचहरी में ऐसे मुकदमे चलते रहे जिसके कारण आज तक वो जमीन मंडी को नहीं मिल पाई। लेकिन हम ऊपर तक के सभी आदेश आ चुके हैं और आगे चल के उसमें मंडी बनेगी, किसान के लिए पूरी तरह खुशहाल होगा। और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मंडी का प्रकरण वर्ष 2002 में निराकरण हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। उसमें समझौते के अनुसार 28 बीघा भूमि में से 15 बीघा भूमि आवेदक को प्राप्त हुई, मतलब मुझे प्राप्त हुई, और 13 बीघा भूमि पर कृषि उपज मंडी को शर्तों के अनुसार जमीन दी गई थी। वो शर्तें क्या क्या थी? पहली शर्त ये थी कि उस जो 400 उसके दो नंबर बने, 438 के दो नंबर, 438/1 जो मुझे प्राप्त हुआ है, 438/2 जो कृषि उपज मंडी को प्राप्त हुआ है, 438/2 में शर्तें थी हमारी। शर्त नंबर एक जो ये थी कि 47 आम के वृक्षों का कंपनसेशन मुआवजा मंडी समिति द्वारा भू अर्जन अधिकारी से मूल्यांकन कराया जाकर मुझे दिया जाएगा जितनी भी राशि बनेगी। दूसरी शर्त ये थी कि संपूर्ण पेड़ मेरे हैं, इसलिए जो भी पेड़ कटेंगे उनकी लकड़ी मुझे प्राप्त होगी, उसका उपयोग हम करेंगे। इसका पालन होने के उपरांत ही मंडी समिति को कब्जा दिया जाएगा 13 बीघा भूमि पर। इसके लिए रास्ता कहाँ से सुनिश्चित किया गया है? वो तो भिंड भांडर रोड से लगी हुई भूमि थी, लेकिन एक जनहित याचिका बीच में दायर की गई जगत सिंह गौरव के द्वारा, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि मंडी यदि निर्माण करना चाहती है, क्योंकि भूमि मंडी की है, तो उसमें जो वृक्ष खड़े हैं उनमें से एक भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा, और यदि एक भी वृक्ष काटा जाता है तो इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कलेक्टर भिंड और DFO भिंड जिम्मेदार होंगे। सर ये आगे की जो रास्ता जो वहाँ से आपकी मंडी के लिए निकलता है, वहाँ पर सूत्रों के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आगे के प्लाट पूरे आपने बेच दिए हैं? 438/1 में जो हमें प्राप्त हुई है हाईकोर्ट से नक्शा फील्ड बुक सब हाईकोर्ट में लगे हुए हैं, केवल 3.30 करोड़ कृषि उपज मंडी को दी गई है, बकाया शेष जितनी भी भंड भांडा रोड से लगी जमीन है वो हमारी है 438/1 में। और जो प्लाट विक्रय किए गए हैं वो 438/1 में किए गए हैं, डायवर्ट करा के स्ट्रक्चर। अब ये बताओ ये स्ट्रक्चर है छोटा सा, सुनो अब आप जाकर जवाब सुन लो। ये ऑर्डर हुआ है जनहित याचिका में, ठीक है, उसमें हम पक्षकार नहीं है, क्योंकि हमारा आपका जो राजीनामा हुआ है वो संपूर्ण 438/2 जो आपको मिला है। तीसरा आदमी जो थर्ड पार्टी बोल रहा है, हम जी सर इनके अनुज हैं, छोटे भाई हैं हम, जो हमारा आपका कम्प्रोमाइज हुआ है उसमें शर्त है कि 438/2 में जो हमने आपको दी है उसमें 47 आम के वृक्षों का कंपनसेशन आप हमें देंगे, शेष पेड़ जो कटेंगे वो लकड़ी हमारी होगी, क्योंकि संपूर्ण पेड़ हमारे हैं, हमने केवल जमीन दी है आपको, पेड़ नहीं दिए। हाई कोर्ट की जो पिटीशन है, पिटीशन नहीं सेकंड अपील की बात कर रहे हैं, जो आपने की थी, ठीक है ADJ के खिलाफ 2000 के बाद हुई है, 2002 में हुई बिल्कुल, लेकिन 2020 में जो डिसाइड हुआ उसमें हमें थोड़ी, हम थोड़ी पक्षकार है उसमें, कोई भी पक्षकार पहली बात ये है कि ये जो जमीन है उसके ओनर आप तो हो नहीं, कौन नहीं है आपको, सुना कौन जाएगा, क्यों जाएगा सुना आपको, क्यों नहीं कौन है उसका, क्यों नहीं जाएगा, उसमें कंडीशन लगी है कंप्रोमाइज में, पेड़ हमारे हैं, पेड़ हमारे हैं, उसमें पेड़ नहीं, जमीन की लैंड की बात बताइए, कंपनसेशन भी दे रहे हैं, लैंड का ओनर कौन है, लैंड का 94 में हमें लैंड ओनर दे रहे हैं, 94 में हमको मिले, 94 में ही कंडीशन हो गया, शुरू से जब हमने सिविल सूट कोर्ट में भी केस विचाराधीन है। कितनी भूमि आवंटित की गई है सर इसके लिए मंडी के लिए? कितनी थी पहले?
13 बीघा है सर 2.717 हेक्टेयर 13 बीघा समथिंग बहु लंबित समय से जो मांग पड़ी हुई है ये लगता कब तक पूरी होने की संभावना है? ऐसा है न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, न्यायालय की कार्यवाही के ऊपर ही सब निर्भर है। क्षेत्रीय ग्रामीण यहाँ मंडी के अभाव में बहुत परेशान रहते हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मंडी और मंडी बोर्ड मंडी हित में यहाँ उपमंडी चालू करने और किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। मंडी समिति चाहती है, मंडी बोर्ड भी चाहता है कि यहाँ पे किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अभी उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जहाँ जो मंडी संचालित की जा रही है वहाँ सुनने में आता है कि ग्रामीण बहुत परेशान रहते हैं, किसान जो भी आते हैं वहाँ ना उनको पानी की व्यवस्था मिलती है ना कुछ व्यवस्था। इसीलिए शासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाती है कि मंडी की अपनी जमीन हो, वहाँ पे निर्माण कार्य हो, पूरा विकास कार्य हो, ताकि किसानों को सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सके। इसीलिए पद का नाम बताएं एक बार दोबारा। मैं कार्यपाल मंत्री एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुरैना।